हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 7 करेंगे क्लास 10 का। बायोलॉजी का चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है। आई थिंक 7-8 मार्क्स जो क्वेश्चन होते हैं इससे होते हैं, अराउंड दिस होते हैं। तो इस जो चैप्टर का नाम ही क्वेश्चन फॉर्म में है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखें कि ये रिप्रोडक्शन ज़रूरी है क्यों, जो रिप्रोड्यूस का जो प्रोसेस है ये ज़रूरी क्यों है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। क्योंकि अलाइव रहने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, हमें सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन जो पार्ट है इम्पॉर्टेंट नहीं है। जितना ज़रूरी हमारे लिए न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, जैसे यहाँ पर भी है न्यूट्रिशन। हमने लाइव प्रोसेस चैप्टर में जितने भी एसेंशियल प्रोसेसेस थे हमने वहाँ पर पढ़े थे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, कुछ इस तरह के प्रोसेस जो कि हमारे हमें अलाइव होने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमने सारे प्रोसेस वहाँ पे पढ़े थे। बट यहाँ पर एक रिप्रोडक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। पहले उनके क्वेश्चन से एक आंसर दे, फिर हम देखेंगे कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में कि बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लेट अस आस्क सम बेसिक क्वेश्चन जो मैंने अभी भी बताया। व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड आफ्टर ऑल और रिप्रोडक्शन इज आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। इस तरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी क्या ज़रूरी है। इफ़ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज़ गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल्स, और अगर वो और सारे इंडिविजुअल्स क्रिएट भी करता है तो प्रॉब्लम है कि एक तो बहुत सारी एनर्जी वहाँ पर स्पेंड होगा। सो वाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन द प्रोसेस इट डज़ नॉट नीड टू स्टे अलाइव। ऐसी चीप एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं जिनको की ज़रूरत ही नहीं है, उनको जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अलाइव रहने के लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी जगह पर हम क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर है शॉर्ट में यही है कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को देख पा रहे हैं अभी भी तो इसीलिए क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या होता है इफ़ ये जो लाइन है कि इफ़ देयर वेर बी ओनली वन नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड, सपोज करो उस पर्टिकुलर स्पीसीज का कोई एक ही मेंबर है सिर्फ जो नॉन रिप्रोड्यूसिंग है, मतलब वो और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता अपने जैसा, तो क्या होगा उसके बाद, ख़त्म। उसके बाद उसके जैसा हम कोई देख ही नहीं सकते। इट इज़ डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस इट्स एग्जिस्टेंस, और वो एग्जिस्ट करता भी था नहीं करता था ये भी डाउटफुल हो जाएगा। इट इज़ द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू ए सिंगल स्पीसीज दैट बींग ब्रिंग टू देम टू आवर नोटिस। हाउ Do we know that two different individual organism belong to the same species? कैसे हमें पता लगता है कि दो different जो individuals हैं वो same species को belong करते हैं, क्यों कैसे हम पता देखते हैं, क्योंकि दोनों individuals देखने में similar होते हैं। Usually we say this because they look similar. The reproduction organism create new individual that look like very much like themselves. तो हम क्या कह सकते हैं कि organism reproduce करते हैं organism या क्रिएट करते हैं इंडिविजुअल्स जो एक जैसे देखने में होते हैं, एक जैसे देखने में होते हैं, सिमिलर होते हैं, याद रखना सिमिलर। तो सेकंड टॉपिक यही है कि टू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। हम कह रहे हैं कि हम वैसे देखने के एग्जैक्ट कॉपीज क्रिएट करते हैं, तो इसका आंसर है क्योंकि यहाँ पर होता है अब DNA कॉपिंग, उसके बारे में देखते हैं। ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइंस आर सिमिलर, है ना ये लाइन। इफ़ बॉडी डिजाइंस आर टू बी सिमिलर द ब्लूप्रिंट्स ऑफ दिस डिजाइन शुड बी सिमिलर। अगर बॉडी डिजाइन सेम है यानी कि ब्लूप्रिंट कहीं ना कहीं वो सिमिलर डिजाइन ही है। दस रिप्रोडक्शन एज इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन। तो बॉडी डिजाइन का ब्लूप्रिंट बनाना मेनली किस में इन्वॉल्व होगा, रिप्रोडक्शन पार्ट में इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे अब ह्यूमन बींग जैसे दूसरा ह्यूमन बींग है तो एक जैसे ही होते हैं, एक जैसे होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते वो। In class 9th we learned that the chromosomes in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features from parents to the next generation in the form of DNA. DNA का full form deoxyribonucleic acid. तो class 9th में cell chapter में हमने पढ़ा था main parts में कि जैसे ये cell है, cell के बीच में nucleus है और nucleus में thread like structure होते हैं जो कि क्या होते हैं chromosomes, और वो क्या contain करते हैं इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, है ना। यहाँ पर साइटोप्लाज्म था साइड में और ये सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है एंड साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस में कंटेन करते थे क्रोमोसोम्स और वो क्या कंटेन करते थे इन्फॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो वो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन तक इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे।
द डीएनए इन द सेल इन न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन. तो डीएनए का डेफिनेशन भी होगा कि डीएनए इन द सेल क्या करता है, ये इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन. ये प्रोटीन्स बनाता है इंफॉर्मेशंस के. इफ़ द इंफॉर्मेशन इज चेंज डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड एंड डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन. और अगर ये इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए तो डिफरेंट प्रोटीन बनेगा, और डिफरेंट प्रोटीन बनेगा तो बॉडी डिज़ाइन जो है वो चेंज हो जाएगा. आई बस समझो, तो सेम बॉडी डिज़ाइन क्यों बन रहा है, क्योंकि डीएनए जो है वो कंटेन कर रहा है इंफॉर्मेशंस के सेम स्पीशीज का. नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है कि देयरफॉर अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज, तब किसी भी रिप्रोडक्शन में बेसिक इवेंट क्या हो गया, फिर क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी. मतलब अब एक सेल से एक न्यू सेल अगर बनेगा तो जो इसका डीएनए है वो सेम डीएनए इसमें भी होना चाहिए, तभी वो सेम इसको कॉपी बन पाएगा, है ना. सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ डीएनए. अब बात आती है कि डीएनए के कॉपी बनते कैसे हैं. यहाँ पर वो सेल्स जो है केमिकल रिएक्शन यूज़ करते हैं ऐसे कॉपीज बनाने के लिए. दिस क्रिएट्स टू कॉपीज ऑफ डीएनए इन रिप्रोड्यूसिंग सेल. अब जिस सेल में रिप्रोड्यूस करना है उसमें दो कॉपीज बना लेंगे, है ना. एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम सेल ईच अदर. अब एक में बना फिर वो सेपरेट हो जाएगा दूसरे सेल के लिए. कीपिंग वन कॉपी ऑफ द डीएनए इन द ओरिजिनल सेल, जैसे कि इस सेल के अंदर अब न्यूक्लियस में क्या है कॉपी बन गया, दो बन गया यहाँ पर. अब एक तो न्यू के लिए चला जाएगा, ये डिवाइड जिससे डिविजन ऑफ सेल होता है, और एक रह जाएगा ओरिजिनल चलेगा सेल के पास रह जाएगा. एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट वुड नॉट वर्क. फिर देखते हैं किस तरीके से फिर वर्क करेंगे. अगर ऐसे नहीं करेंगे तो उसके क्या होना चाहिए, एक सेलुलर अपैरेटस साथ में अटैच होता है जब वो सेपरेट होते हैं तभी वो काम करता है. तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसका जो है, पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर उसके पास होगा ही नहीं. देयरफॉर डीएनए कॉपिंग इज एकम्पनीड बाय क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सेलुलर अपैरेटस. तो जो कॉपी बनाया जाता है उसके साथ क्या एक अटैच होता है, सेलुलर अपैरेटस भी अटैच होगा साथ में. एंड देन द डीएनए कॉपी सेपरेट, उसके बाद में डीएनए कॉपी जो है सेपरेट हो जाएगा, ईच विथ इट्स ओन सेलुलर अपैरेटस. एंड इफेक्टिवली अ सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू टू न्यू सेल्स. और इस तरीके से फिर दो न्यू सेल्स बनेंगे. तो जो न्यू कॉपी होगा उसके साथ क्या अटैच होगा, सेलुलर अपैरेटस. क्यों अटैच होगा, ताकि वो मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस के लिए, जो भी लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए जो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर चाहिए वो बना सके, अदरवाइज नहीं बनेगा. अब नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस टू सेल्स आर ऑफ कोर्स सिमिलर बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल. ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हाँ हो सकता है कि दोनों सेल्स सिमिलर दिखाई पड़ रहे हो. और ये हमने मैथ्स में सिमिलर के बारे में पढ़ा हुआ था. तो सिमिलर क्या होता है, एक जैसे. तो दो सेल्स एक जैसे भले ही दिख रहे हों तो क्या वो आइडेंटिकल भी हैं, बिल्कुल सेम टू सेम हो गया, आइडेंटिकल भी होंगे. द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व आकर. तो ये कितना जो कॉपिंग हुई है डीएनए कॉपी हुआ कितना एक्यूरेटली हुआ है इस पर डिपेंड करेगा आंसर. और अब इसके जो नेक्स्ट पॉइंट में कि नो बायोकेमिकल रिएक्शन, इसको फ्रेश करते कि नो बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं वो एक्यूरेट नहीं होते हैं. देयरफॉर इट इज़ ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए विल हैव सम वेरिएशंस ईच टाइम. तो क्योंकि वो फुल्ली एक्यूरेट नहीं होते हैं कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जो, तो इसीलिए क्या होते हैं कि कुछ ना कुछ वेरिएशंस यानी कि चेंजेस आएंगे ही आएंगे. एज ए रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल. तो अभी से हम क्या कह सकते हैं कि डीएनए कॉपिंग जो होगा वो सिमिलर होगा बट आइडेंटिकल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि वेरिएशंस वहाँ पर होने ही होने हैं, ठीक है ना. ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर वेरिएशन होंगे. तो सम ऑफ दिस वेरिएशंस माइट बी सो ड्रास्टिक दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद द सेलुलर अपैरेटस इट इनहेरिट्स. तो क्या होगा, कई बार ये जो वेरिएशंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो डीएनए के साथ जो सेलुलर अपैरेटस अटैच हुआ है, जो हमने ऊपर देखा था ना, जो सेलुलर अपैरेटस अटैच हुआ है वो फिर काम नहीं करता है जब, क्योंकि वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. सच ए न्यू बॉर्न सेल विल सिंपली डाई. और अगर ऐसा कोई सेल बन गया है जिसका सेलुलर अपैरेटस तो डिफरेंट है, सेल से कॉपी जो करके लाया है और वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो गया कॉपिंग टाइम पे, तो ऐसे सेल क्या होंगे, सिंपली डाई कर जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे. ऑन दी अदर हैंड देर वुड
there could still be many other variations in the DNA copies that would not lead to such. और कुछ जगह पे क्या होते हैं कि drastic change नहीं होते हैं तो डेंजर सेल है वो रहते हैं है ना, यहाँ पर है लीड टू सच ए ड्रास्टिक आउटकम. ऑन दी अदर हैंड देर कुड बी स्टिल मे अदर वेरिएशन इन द डी एन ए कॉपीज दैट वुड बी लीड टू सच ए ड्रास्टिक आउटकम. दस द सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर टू बट सेपरेटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. और जो वेरिएशन होने की वजह से थोड़ा बहुत जो वेरिएशन होता है तो उसमें जो है जो न्यू जो सेल है उसमें थोड़े से डिफरेंस आएंगे पर वो सर्वाइव कर जाते हैं. दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज़ द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन. और ये वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेरिएशन की वजह से ही एवोल्यूशन भी होता है. जो वेरिएशन है वो वन स्टेप प्रोसेस है बट जो एवोल्यूशन होता है ये बहुत लॉन्ग टर्म में एवोल्यूशन जो प्रोसेस है ये चलता है. इसके लिए हम लिखा नेक्स्ट चैप्टर में बट आई थिंक हेरिडिटी सेप्सिस जो न्यू वाले सिलेबस में इसमें हटा दिया गया है इस बार. तो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन होता है लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है. हम कह भी सकते हैं हम पहले एप्स जो ह्यूमन बींग्स थे वो एप्स से एप्स से धीरे धीरे करके ह्यूमन बींग्स जो अभी हैं अब वो एवोल्यूशन का ही एक पार्ट है. ठीक है, अब आते हैं जो इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है. तो वेरिएशन मैंने अभी भी बताया कि वेरिएशन क्या है, जो डीएनए कॉपिंग के टाइम जो चेंजेस आते हैं अब वो चेंजेस कितना इम्पॉर्टेंट है वो हम देखेंगे. क्योंकि एक तो हमने देखा कि वो एवोल्यूशन का बेसिक जो पार्ट है वो एवोल्यूशन का होता है क्या होता है वेरिएशन. अगर हर एक डीएनए कॉपिंग में वेरिएशन नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म में एवोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट कॉपीज तो बनते ही नहीं है. तो हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है. यहाँ है पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और निचेस इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. तो ऑर्गेनिज्म जो है एक वेल डिफाइंड प्लेस और निचेस इन द इकोसिस्टम समझते हो, इकोसिस्टम मतलब एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पर कि ऑर्गेनिज्म रहता है मतलब वहाँ के सारे चीज़ इकोसिस्टम में सारे आ जाएंगे, बायोटिक अबायोटिक फैक्टर सारे मिला के, यानी कि टेम्परेचर है वहाँ का, सॉयल है वहाँ की, वाटर अगर पानी में रहते हैं तो पानी है, तो सारा चीज़ इन्वॉल्व होता है इकोसिस्टम में. तो यूजिंग द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर्स दैट अलाउ टू ऑर्गेनिज्म टू यूज द पर्टिकुलर नीच. अब एक पर्टिकुलर नीच में जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं तो जो कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, तो डीएनए कॉपिंग की जो कंसिस्टेंसी यानी कि सेम तरीके से जो कॉपी हो रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि सेम बॉडी डिजाइन जो है वो बनाया जा सके. रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, यानी किसी भी स्पीसीज में जो पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी यानी कि पॉपुलेशन कम होना चाहते हो मतलब उसके लिए ज़रूरी है कि पॉपुलेशन जो मेंटेन रहे. ठीक है, हाउ एवर नीचेस कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिर भी जो नीचेस में चेंज आ सकते हैं. टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन, वाटर लेवल्स कैन वेरी, ऑन अदर कुड बी मेटेराइट हिट्स टू थिंक ऑफ ए फ्यू एग्जाम्पल. तो हम तो यहाँ पर बात कर रहे थे कि कॉन्स्टेंटली अगर वो एक नीच में रह रहे हैं ग्रुप में और सब कुछ एक ही जैसा है तो ठीक है, लेकिन क्या हो सकता है कि अचानक से अगर टेम्परेचर ऑफ जो अर्थ का जो टेम्परेचर वो ग्रो कर जाए या वाटर लेवल ही बढ़ जाए या मेटेराइट का हिट हो जाए, इस तरह के अगर कुछ हो जाते हैं तो इफ़ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेयर सूटेड टू अ पर्टिकुलर नीच एंड इफ़ द नीच वेयर ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट. हाउएवर इफ सम वेरिएशंस वेयर टू बी प्रेजेंट इन द फ्यू इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन देयर वुड बी सम चेंजेस फॉर देम टू सर्वाइव. अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे अगर बात करें टेम्परेचर की, अचानक से टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज हो गया, अगर सारे ऑर्गेनिज्म को एक ही अगर है कि वो इस सेम टेम्परेचर में ही रह सकेंगे, जैसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो डाई कर जाएंगे, तो वो क्योंकि एक ही नीच में रह रहे हैं एक ही ग्रुप में रह रहे हैं सबके सब, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो सबके सब डाई कर जाएंगे क्योंकि किसी के अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो उस टेम्परेचर से ओवरकम कर सके. तो अगर वेरिएशन में थोड़े कुछ भी ऑर्गेनिज्म थोड़े बहुत जो ऑर्गेनिज़म्स हैं इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो उस टेम्परेचर को झेल सकते हैं है ना, तो क्या होगा कि वो बच जाएंगे और बाकी क्या हो जाएंगे फिर डाई कर जाएंगे. अब जो वो बच जाएंगे तो वो उस स्पीसीज़ को क्या कर सकते हैं फिर वो कंटिन्यू कर सकते हैं. अब वो जो कुछ ऑर्गेनिज्म ये कैपेबिलिटी आई थी ना हीट को जो टेम्परेचर के लिए ओवरकम कर सकते हैं इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर को, वो क्यों आया था, ड्यू टू वेरिएशन इन द डीएनए कॉपिंग. डीएनए कॉपी में जो एरर हुआ था उसकी वजह से उनके अंदर वेरिएशन हुआ था और उस वेरिएशन जो था यहाँ पर क्या था इंपॉर्टेंट चीज़ था क्योंकि वो उसकी वजह से वो हीट को झेल पाए.
और बच गए, मतलब बाकी जो थे वो नहीं, अगर जिनमें वेरिएशन ही नहीं हुआ था वो नहीं बचेंगे। तो वेरिएशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है रिप्रोडक्शन का, वेरिएशन ज़रूरी है। नेक्स्ट इसके आगे जो है वो है कि दस इफ देयर पॉपुलेशन ऑफ ए बैक्टीरिया लिविंग इन अ टेम्परेट वाटर्स एंड इफ द वाटर टेम्परेट वेयर टू बी इंक्रीज बाई ग्लोबल वार्मिंग मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया वुड डाई बट द फ्यू वेरिएंट रेजिस्टेंस टू द हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। तो वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। यहाँ पर हमने देखा क्या, अब ये जो मैंने अभी बताया था, जैसे यहाँ पर वाटर में ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं कि अगर वाटर में कुछ बैक्टीरियाज रह रहे हैं, और ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि पता है ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है अभी चल रही है ग्लोबल वार्मिंग की, तो इसकी वजह से अगर वाटर का जो टेम्परेचर वो बढ़ा, और वाटर का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जिन बैक्टीरियाज को ये रेजिस्टेंट मिला हुआ है तो वो तो बच जाएंगे, और जिनके पास नहीं है वो क्या हो जाएंगे, डाई कर जाएंगे, वो तो गए। लेकिन जो बच गए, जो जिनको रेजिस्टेंस था हीट का, जो रेजिस्ट कर पाए हीट को, वो सर्वाइव करेंगे, और सर्वाइव करेंगे फिर आगे ग्रो करेंगे, और आगे ग्रो करेंगे तो उनका जो स्पीशीज़ है वो कंटिन्यू रहेगा। तो इम्पोर्टेंस क्या हो गया वेरिएशन का, कि वेरिएशन इज दस, लास्ट लाइन है कि वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। तो वेरिएशन एक बहुत ही यूजफुल है एक स्पीशीज को समय के साथ सर्वाइव करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेरिएशन होता रहे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। ओके, होप कि समझ में आए डीएनए कॉपिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, तो आंसर मिल जाएगा। एंड व्हाई इज़ वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। वेरिएशन जो स्पीसीज के लिए ज़रूरी है, पर्टिकुलर स्पीसीज जो है उसको कंटिन्यू करने के लिए, बट नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए कुछ खास नहीं होता, क्योंकि इंडिविजुअल में अगर वो रेजिस्टेंस जो भी वेरिएशन आया है अगर वो कुछ काम कर सकता है इंडिविजुअल, ठीक है, नहीं तो वैसे कुछ है नहीं। तो ऊपर हमने उसके बारे में पढ़ा था कि जो नीच में अगर कुछ भी बैक्टीरियाज बच जाते हैं तो वो फिर स्पीशीज को कंटिन्यू कर देते हैं, है ना। तो इंडिविजुअल के लिए कुछ खास फ़ायदा इससे नहीं होता है।